नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है पेरेंट्स। आज मैं बहुत सारी ऑक्यूपेशन थेरेपी की वेस्टिबुलर एक्सरसाइज फिर से लेके आई हूँ। आप ये सारा एक्सरसाइज अपने बच्चों को इजीली घर में करा सकते हो, और हमारे बच्चे के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्सरसाइज तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फायदाजनक है। ये सारा एक्टिविटी अगर अपने बच्चों को आप कराओगे तो इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाती है, बच्चे की ब्रेन और बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाती है। इससे बच्चे की पढ़ाई में भी बहुत फोकस आता है और बच्चे की हर एक स्किल डेवलप होती है। अगर ये सारा एक्टिविटी पेरेंट्स आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर ट्राई कराओ। जैसे मैंने एक सामने टेबल रखा है, उधर दो साइज का थर्मोकोल के ग्लास रखा है, बिग ग्लास और स्मॉल ग्लास, और फ्लोर में मैंने बहुत सारा पिलो रखा है, और उसकी हेड में भी मैंने एक पिलो रख दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसको पिलो को बैलेंस करके एक एक ग्लास को लेके आके उसको ठीक तरह से रखना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्रिश को बॉडी को बैलेंस करना हो रहा है, उसके बाद उसको पिलो को भी बैलेंस करना हो रहा है, उसके बाद उसको ग्लास को उठा के आके शॉटिंग करना हो रहा है। ये 2-in-1 एक्टिविटी है। ये ऑक्यूपेशन थेरेपी की वेस्टिबुलर और ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल की भी एक्टिविटी है। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश थेरेपी सेंटर में करता था, पर क्रिश के हेड में पिलो के बदले में कुछ वेट का कुछ देता था उसका सैर, पर मैं उसको घर में लेके आके पिलो से ही ये एक्टिविटी कराती थी। पेरेंट्स अब इजीली घर के सामान से ही ये सारा ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी घर में ही करा सकते हो पीलो के मदद से। ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे की कोर मसल स्टोन स्ट्रांग होती है, बच्चे की बॉडी बैलेंसिंग डेवलप होती है, थिंकिंग लॉजिकल स्किल डेवलप होती है। जैसे उसको एक एक ग्लास को उठा के आके शॉटिंग करना हो रहा है, आप इससे बच्चों को बिग ग्लास और स्मॉल ग्लास की कौन से भी बच्चों को सिखा सकते हो। ये सारा एक्टिविटी आप इजीली घर में करा सकते हो बच्चों को, बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप करने के लिए। पेरेंट्स उसके बाद की भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जैसे मैंने फ्लोर में कुछ बॉटल रख दिया है और उसकी बैक में मैंने पिलो रखा है, मैंने क्रिश को बोला है उसको जिग जैग करके आके इधर से घूम के फिर से जाना है। ये ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी है पेरेंट्स। आप बच्चों को जितना ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओगे बच्चे की उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो या फिर आप बच्चों के साथ खुद ही कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए, पर ये सारा एक्टिविटी आप बच्चों को इजीली घर में करा सकते हो। इस एक्टिविटी में मैंने क्रिश की लेग में एक पिलो दे दिया है और मैंने क्रिश को बोला है उसको पिलो को बैलेंस करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने फ्लोर में क्रिश को जम करके आने के लिए बोला है, और इधर एक ट्रे दिया है और इसको बॉल दिया है, मैंने उसको बोला है ट्रे में से बॉल को बास्केट के अंदर रखना है और उसको जम करके जाके एक एक बॉल को कलेक्ट करके फिर से आके उसको ट्रे में से बास्केट के अंदर बॉल को डालना है। मेरे डिफरेंट साइज की बॉल रखा है, उसको बॉल को बैलेंस करना हो रहा है, इससे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रही है, बच्चे की कोर मसल स्टोन स्ट्रांग हो रही है, बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो रही है। आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो घर के सामान से ही इजीली।
फ्रेंड्स उसकी बात की एक्टिविटी में मैंने सामने एक सेफ स्टार्टर रखा है और क्रिश को मैंने चेयर में से पैर को बैलेंस करके उसे एक हाथों से हर एक शेप्स को हर एक टॉय को सॉर्ट करने के लिए बोली हूँ। क्रिश एक हाथों में से बॉडी को बैलेंस कर रहा है और एक हाथों में एक एक टॉय को सॉर्ट कर रहा है। इस एक्टिविटी से बच्चे की हैंड मसल स्ट्रांग हो रही है और इस एक्टिविटी से जो सब बच्चे की हैंड फ्लैपिंग की समस्या है वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हाथों के ऊपर बहुत ही प्रेशर लगता है एक एक टॉय को सॉर्ट करने के लिए। आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को आप घर में ज़रूर कराओ और बॉडी को भी बैलेंस कर रहा है। आप पहले पहले ये सारा एक्टिविटी बच्चों को पकड़ के करो, क्योंकि बच्चे गिर जाने की संभावना हो जाती है पहले पहले। उसके बाद बच्चों को बहुत टाइम तक प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों को खुद से करने दो। आप बच्चों को स्टार्ट करके फिनिश करने के लिए बोलो हर एक एक्टिविटी को। ये सारा एक्टिविटी क्रिश की थेरेपिस्ट सर ने उसको घर में कराने के लिए बोला था, क्योंकि आप इजीली घर के सामान से ही बच्चों को ये सारा एक्टिविटी करा सकते हो। इसलिए पेरेंट्स आप जितनी हो सके बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चों को जितना ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओगे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, हैंड मसल स्टोन, लेग मसल स्टोन, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल उतनी जल्दी डेवलप होती है और बच्चे की इससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है। अगर ये सारा एक्टिविटी पेरेंट्स आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर कराओ।